हाय, कैसे हैं आप सब यार। फोर्ड इको स्पोर्ट का नया फेसलिफ्ट आने वाला है, तो जो लोग उसे खरीदने वाले थे, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। इसी साल दिवाली में या उसके आसपास उसको रिलीज़ कर देंगे। थोड़े से चेंजेस किए गए हैं उसमें, जैसे कि जो आपका बम्पर है उसका थोड़ा और माचो किया गया, थोड़ा और बल्कि किया गया, स्मार्ट लग रहा है वो। सेकेंड उसके अंदर आ रहा है एल शेप्ड DRL, और वही DRL आपके टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करेंगे। थर्ड चेंज है इसका फ्रंट ग्रिल के अंदर। जो फ्रंट ग्रिल की बाउंड्री है वो सेम रहेगी, लेकिन जो इसका पैटर्न है उसको चेंज किया गया है। और जो हेडलैम्प्स है इसके, उसमें भी आपको थोड़े बहुत विजुअल चेंजेस मिलेंगे। इसके इंटीरियर में भी चेंजेस किए गए हैं। जो डैशबोर्ड है उसका टेक्सचर थोड़ा सा बदला गया है, और कुछ फीचर्स भी एड ऑन किए गए हैं, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं है, उसकी क्लैरिटी अभी आई नहीं है। जैसे ही वो आएगी वो भी आपको मैं बताऊंगी। फोर्ड इको स्पोर्ट को वन ऑफ द फेवरेट कार माना जाता है इस सेगमेंट के अंदर, और इसके जो राइवल्स हैं जैसे कि आपकी टाटा नेक्सॉन है, वेन्यू है, ब्रेजा है, उसके अपडेट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। इसका अपडेट अभी आना है, तो अगर आप हरी में हैं, गाड़ी अभी खरीदनी है, तो गो फॉर राइवल्स। और अगर आप फोर्ड इको स्पोर्ट को खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए, दिवाली के आसपास ईयर एंड में ये कार आपके पास आ जाएगी, तो वो खरीदिएगा। फेसलिफ्ट हमेशा बेटर होता है यार पुराने वाले से। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, बाय।